ये हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज का करंट अफेयर का पार्ट 4 होगा, और हम यहाँ पर पिछले साल की 1 साल की करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, और पिछले साल जो आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं हम वो देख रहे हैं, और कुछ नए एमसीक्यू। तो देखिए, ये जो है प्री का सिलेबस है, यहाँ पर दे रखा है 200 मार्क्स का, और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे, और जैसे कि आप जानते हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द हिमाचल प्रदेश के 60 क्वेश्चन होंगे, और जन करंट अफेयर के या दूसरी करंट अफेयर के यहाँ पर 60 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मैं मॉडर्न हिस्ट्री के जो है लेक्चर जल्दी लाने वाला हूँ, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो और अच्छी बात है। और इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, डिसास्टर मैनेजमेंट, देखिए डिसास्टर मैनेजमेंट से कोई भी चीज़ होगी तो आप उसको स्किप मत करना, इन्वायरमेंट एंड जेंडर इशू और टीचिंग ऑफ द महात्मा गांधी। और सेम है, अगर आप महात्मा गांधी की कोई बुक पढ़ रहे हो तो आप उसको पढ़ते रहना, ठीक है, आपको काफी फायदा मिलेगा। तो ये 80 मार्क्स का आ रहा है, तो अच्छा, ये तो जो मेन है, मेन का सिलेबस के 3 पेपर होते हैं, और ये तीसरे का पेपर का सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। अब बात करते हैं हम जो हमारी आज की करंट अफेयर। तो सबसे पहले हम देखिए, मैं आपको कोई भी करंट अफेयर करा रहा हूँ तो उसके पीछे भी लॉजिक होता है कि मैं आपको करंट अफेयर क्यों करा रहा हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है आयोग। मैंने विद प्रूफ आपको और स्क्रीन शॉट लिया हुआ है आयोग की जो पेपर होता है उसके। अब हम सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर कि जो रामसार कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, एक रामसार जो है एक शहर है ईरान का, और 1971 के अंदर इस शहर के अंदर एक ट्रीटी साइन की गई। पूरी एग्जैक्टली डेट आपको पता होना चाहिए, 2 फरवरी 1971 के अंदर ये जो ट्रीटी साइन की गई थी वो वेटलैंड से संबंधित थी। वेटलैंड क्या होता है, देखिए ये कैसी कोई वाटर बॉडी हो सकती है, और उसके वाटर बॉडी हो सकती है उसके चारों तरफ, आपने देखा होगा एक तालाब होता है, उस तालाब के चारों तरफ अगर आप वहां पर रहते हो कहीं रूरल एरिया में, तो उस तालाब के चारों तरफ वहां पर अलग अलग टाइप के आपको स्नेक मिल जाए, कीड़े मकौड़े, मछलियां, जानवर, पेड़ पौधे, अलग अलग किस्म के। तो वो अगर वो तालाब ही, उस तालाब का पानी सूख जाए तो क्या वे पेड़ पौधे, आसपास में रहने वाले जीव जंतु रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए उस वेटलैंड, उस उनको वेटलैंड बोलते हैं, मैन मेड भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, तो उसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। आप समझ गए, उसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। ये मतलब अगर आपने उसको नहीं किया तो वो समझ लो पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा, पूरा इको सिस्टम खराब हो जाएगा। जो इन सीधो कंजर्वेशन जरूरी होता है, और इसी ये जो 2 फरवरी है, तो क्योंकि ये कन्वेंशन इसी डेट को असाइन किया गया था, इसी को हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर साल। थीम पर क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, वो पूछा था। तो इस बार की जो थीम थी वेटलैंड्स एंड द ह्यूमन वेलबींग। तो देखिए, वेटलैंड अच्छी रहेंगी तो इवन को रिसोर्सेज भी मिलती है, मछली मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम, क्योंकि आयोग ने क्वेश्चन पूछा था कि करंटली कितनी रामसाइट साइट है इंडिया के अंदर, तो 80 साइट है, और सबसे ज्यादा साइट जानते हो किसकी है? तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसकी ज्यादा, सबसे ज्यादा साइट्स है इसके अंदर, 16 साइट्स है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश 10। तो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई सबसे ज्यादा। देखिए, इसके अंदर एक यहाँ पर माउंट ट्रैक्स रिकॉर्ड, तो ये आप देख लेना कि जो है उससे रिलेटेड है, रामसार साइट से रिलेटेड, वेटलैंड से रिलेटेड है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इसको कि वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड, तो इसका जो सही आंसर, मैंने आपको बताया कि सही आंसर इसका क्या है, 2 फरवरी। तो 2 फरवरी को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, आपको पता ही है क्यों, मैंने अभी जवाब दे दिया। आप देखिए, यहाँ पर ये आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें एक्चुअली वो कैस्पियन सी के बारे में पूछ रहा है कि कैस्पियन सी से जो, देखिए जब आप तैयार कर रहे हो करंट अफेयर, हो सकता है कि कुछ चीजें मैं ना इंक्लूड करूँ, आप जो है इधर उधर से अपने फोन पर सर्च कर लिया करो कुछ जोग्राफिकल एरिया, जैसे कि यहाँ पर ये कैस्पियन सी है, तो कैस्पियन सी किन किन कंट्रियों से लगा हुआ है? इधर तो देखिए रशिया आ गया, ये वाला ये पोर्शन जो है रशिया का, ये वाला इधर अजरबैजान आ गया, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आ गया, ये ईरान आ गया, ये और ईरान से लेकर ये वाला जो पोर्शन है ये किसका आ गया, तुर्कमेनिस्तान का हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है ये आ गया कजाकिस्तान का। तो ये कंट्रिया जो है ईरान के साथ में अपना जो है बॉर्डर शेयर करती है। और इसके अंदर एक और चीज आपको पता नहीं, जो अराल सी है, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, वैसे तो कम चांसेस लेके पूछ भी सकता हूँ, ये अराल सी कौन कौन दो कंट्रियों के बीच में है, उस कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अराल सी, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे
जरूरी नहीं है रिवर का नाम याद रखना। और अब आप शायद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे कि कौन कौन सी कंट्रियां हैं। देखिए उज्बेकिस्तान नहीं है तो ये तो इसका गलती हो जाएगा ये वाला, और टर्की भी नहीं है तो डी भी ऑप्शन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, कजाकिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, नहीं, ये तो भैया गलत है, ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अजरबैजान है, ईरान है, कजाकिस्तान है, रशिया है और तुर्कमेनिस्तान है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए भैया कुछ चीजें। अब देखिए ये साइट्स है तो मतलब ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है तो आपको पता होना चाहिए, मल्टीलेटरल ट्रीटी है ये, ठीक है। ये किस टाइप की ट्रीटी है, ये इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कि उनका जब इंटरनेशनली ट्रेड किया जाता है तो अब उनको प्रोटेक्ट करके रखे हैं। क्योंकि होता क्या है कि जैसे कि चाइना हुआ, चाइना के अंदर मतलब वो बहुत सारी जंगली जानवरों को खा जाते हैं, उनकी अपनी सोच विचारधारा है तो उनको मतलब कुछ लोग अलग अलग सोचते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर आप सारे जंगली जानवरों को मार के खा जाओगे तो फिर कैसे बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व। तो इसलिए जो है कि जो जंगली जानवर है उनका व्यापार ना हो, प्लांट्स है उनका व्यापार ना हो। पुष्पा मूवी बनी हुई इसी पर, प्लांट्स को, तो आप उसको भी समझ सकते हो। तो इसी चीज को रोकने के लिए साइट्स बनाई गई, जिसका फुलफॉर्म कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा 1731 के अंदर इसको सिग्नेचर किया गया था। तो ये बता होना चाहिए आपको, मल्टीलेटरल ट्रीटी है। अब सी ऑफ मरमरा के बारे में देख लेते हैं। देखिए सी ऑफ मरमरा जो है ये पूरा का पूरा एक ऐसा सी है जो कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर लोकेट करता है। तो किसी किस कंट्री के अंदर लोकेट करता है, टर्की के अंदर। और यहाँ पर एक बॉस्फोरस स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या होते हैं, एक वाटर बॉडी होती है जो बड़ी बड़ी दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करने का काम करती है। तो यहाँ पर ही एक छोटी बड़ी वाटर बॉडी सी ऑफ मरमरा हो गया, एक ब्लैक सी हो गया, ये दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडी और छोटी सी वाटर बॉडी है यहाँ पर जो कि दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है, उसको बोलते हैं सी ऑफ इस्तांबुल भी बोलते हैं, इस्तांबुल स्टेट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। और यहाँ पर एक और है कि ये एजेंसी, ये वाला आपको बताना चाहिए, एजेंसी है और ये सी ऑफ मरमरा है। तो सी ऑफ मरमरा किन किन दो किन किन दो वाटर बॉडी के बीच में है, एक तो ब्लैक सी के बीच में, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ब्लैक सी है और यहाँ पर एजियन सी के बीच में है, उसके बीच में भी है क्या कहते हैं, क्योंकि एजियन सी जो है पार्ट ऑफ द मेडिटेरियन सी। तो आप बोल सकते हो कि ये सी ऑफ मरमरा जो है ब्लैक सी और मेडिटेरियन को कनेक्ट करने का काम करता है। हालांकि इसमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा है कि मेडिटेरियन सी, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए यहाँ पर ब्लैक सी विद द सी ऑफ अजोब, यानी देखा ब्लैक सी विद द एजियन सी, ब्लैक सी को और एजियन सी को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये पता, ये वाला ऑप्शन इसका ठीक है। दूसरा वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन, और उसकी जो लेयर होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी लेयर किसकी, नहीं हमारे जो एटमोसफेयर उसकी लेयर। तो ओजोन को किस यूनिट में नापा जाता है, देखिए टॉसमिन यूनिट में ओजोन को की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मेजर किया जाता है, किस लेयर में मिलती है। देखिए टू टाइप की ओजोन लेयर होती है, एक तो हमारे जो जहां हम चलते हैं जिस फ्लो जिस सरफेस पर वहां भी मिलती है, उसको बोलते हैं बैड ओजोन। एक मिलती है स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में तो उसको बोलते हैं गुड ओजोन। ये गुड ओजोन जो होती है जो यूवी रे होती है, अल्ट्रावायलेट रे होती है, उसको फिल्टर करके भेज देती है वापसी। अभी हम देखेंगे यहाँ पर तीन टाइप की यूवी रे देखेंगे, एबीसी। और अब इस ये जो ओजोन लेयर, इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। क्यों नहीं करा, क्योंकि जैसे देखो ये मैं यहाँ पर एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये तीन टाइप की यूवीसी होती है, एक अल्ट्रावायलेट सी, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट ए। तो ये ओजोन जो लेयर होती है ये सी को तो आने नहीं देती है, बी का कुछ पोर्शन आता है बहुत थोड़ा सा, ए का पोर्शन आता है काफी। तो अब ये जो अल्ट्रावायलेट रे होती है स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, आंखों की बीमारी, पत्ते जो हरे पत्ते होते हैं उनको डैमेज कर देगी। तो इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन रुक जाएगी और प्लांट पौधे सब मर जाएंगे। और जो एक जो पानी में रहने वाली लाइफ होती है, जो जहाँ जहाँ पर प्योर वाटर हो, मतलब वहां पर जो पानी होता है वो 200 मीटर तक नीचे सनरे जाती है, तो वहां तक काफी लाइफ फलती फूलती है पानी के अंदर। तो अगर वो यूवी रे आती है तो बड़े सेंसिटिव होते हैं, अगर आप यूवी रे हार्मफुल होती हैं और उनकी जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होगी तो पूरे के पूरे जो फाइटोप्लैंकटन होते हैं पानी में रहने वाले पौधे वो मर जाएंगे। तो पानी में रहने वाले प्लांट्स भी नहीं मरेंगे, पानी में रहने वाले एनिमल्स भी नहीं रहेंगे, तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी इसका हम देखेंगे यहाँ पर। आप देखिए ओजोन को जैसे मैंने कहा बचाने के लिए क्या हो रहा है, ओजोन को बचाने के लिए वीना कन्वेंशन साइन की हुई। तो इन्होंने कहा कि 1985 के अंदर भाई हम ओजोन को बचाएंगे, तो इन्होंने एक ट्रीटी साइन की जिसका नाम था वीना कन्वेंशन, इसी का एक सब वर्जन है जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 92 साल के बाद 1987 के अंदर इन्होंने बोला कि भाई देखो ओजोन को बचाने के लिए
कैसे बचाए? उन्होंने बोला कि भाई देखो, ओजोन को जो खराब करने वाले जो सब्सटेंस है, जिसको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, उनको खत्म करो, तभी ओजोन को बचाया जा सकता है। तो 1987 में इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी जिसको मॉन्ट्रियल ट्रीटी है। तो ये मॉन्ट्रियल ट्रीटी जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को खत्म करने के लिए हो, और ये जो वीना कन्वेंशन है ये ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए हो। ठीक है, तो ओजोन तो प्रोटेक्ट तभी होगी ना जब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को खत्म करें हम। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं मॉन्ट्रियल ट्रीटी जो एक वर्जन है वीना कन्वेंशन का। फिर उसके बाद में एक और इस किगाली एग्रीमेंट हुआ, किगाली एग्रीमेंट या एक बोल सकते हैं आप अमेंडमेंट हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। इसमें एक और गैस को शामिल कर लिया गया, हाइड्रो फ्लोरोकार्बन। तो इसको 2016 में इसको शामिल कर लिया गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को। तो अब हम ये तो हमारे पास ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस थोड़े से पता होना चाहिए आपको। एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलन कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड, प्रोमो फ्लोरो मीथेन, तो कुछ ऐसे हैं ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो हमारे जो एसी होता है, एसी और पहले आते थे हम नहीं आते, और जो हमारे ठंडे करने वाली चीजें होती हैं और बहुत सारी चीजों में मिलते थे, तो उसमें होते थे। अभी पता धीरे धीरे इनको हटाया जा रहा है। अब देखिए ये कौन सी लेयर मिलती है ओजोन की, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैं इतना ज्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि एक तो क्वेश्चन यही बनता है कि सबसे नीचे की लेयर कौन सी है। लेयर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एक सेकंड, स्टेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। तो ओजोन जो लेयर मिलती है वो यहाँ पर मिलती है, इस वाले पोर्शन में आप दे रखा हुआ है ओजोन, इस वाले लेयर में मिलती है। तो ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम यही होता है कि जितनी भी अल्ट्रावायलेट रे आ रही होती है उनको छान कर फिल्टर करके वापसी भेज देना, जो जो हमारे पास काम की चीजें ही आए, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो अब देखिए क्वेश्चन पूछा था इन्होंने कि ओजोन लेयर जमीन से कितनी हाइट पर मिलता है। ये एक्चुअली आयोग ने दो हिमाचल अलाइट सर्विस में ये पूछा गया था, वैसे तो क्वेश्चन ही गलत है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कौन सी इनकी ओजोन लेयर मिलती है, इनकी कौन सी पता नहीं ओजोन लेयर है जो कि 60 से 70 किलोमीटर की, 60 से 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पर मिलती है। देखिए ओजोन लेयर जो है हार्डली यहाँ तक मिलती है, ये 40 तक, और कहाँ से स्टार्ट होती है? 1500 से, मतलब इसकी जो रेंज है 1500 से 40 किलोमीटर तक ये ओजोन लेयर मिलती है। इनके पता नहीं कौन से ऑप्शन होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता ये जो होते हैं इतने लीद वैरायटी के लोग कैसे बन गए। मतलब इतने देख तो लो डेटा एक बार, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ ले करो कम से कम। जब आप क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं तो टीजीटी में भी, हिमाचल प्रदेश ने टीजीटी का एग्जाम कंडक्ट कराया था, तो उसमें जानते हो यहाँ पर लिमिट क्या थी? उसमें लिमिट थी यहाँ पर 40 से 50, उसमें भी गोबर कर दिया हिमाचल प्रदेश ना, हिमाचल प्रदेश का जो एग्जाम हुआ था टीजीटी वाला। तो आप सबको एक बार पढ़ लेना चाहिए इनको, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ लेने चाहिए कि भाई कहाँ तक इसकी रेंज है ये। तो उल्टे सुते ऐसे सुट्टा मार कर, मतलब या नशा करके पेपर बनाने से कोई फायदा नहीं है आपको, क्योंकि आप बच्चों बच्चे काफी विश्वास करते हैं इन पर। तो ये पता होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में, तो क्वेश्चन ही गलत है ये यहाँ पर। ये बस मैंने आपको बता दिया कि भैया ये जो है कहाँ तक मिलती है। तो अगर कोई ऐसा ऑप्शन आता है तो आप उसको लगा सकते हैं, क्वेश्चन गलत था। तो अब देखिए मैं इसका इफेक्ट के बारे से, अगर ये ना हो ओजोन लेयर ना हो तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। एक तो ह्यूमन पर क्या नुकसान होता है, देखिए ये जो है मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट मैंने यहाँ पर दिया, अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या है किसी भी टाइप का एग्जाम दे रहे हो जिसमें लिखने वाले हो। तो अगर एनवायरमेंट से रिलेटेड ओजोन को, कि भाई ओजोन कैसे नुकसान देती है हमारे जो धरती पर, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आप इसमें ये सारी चीजें विद हेडिंग डाल सकते हो। तो स्किन कैंसर कर देती है ह्यूमन पर, तो स्किन कैंसर आंखें खराब कर देगी, आपका इम्यून सिस्टम उसको खत्म कर देती है। प्लांट में क्या होता है, प्लांट की जो जो फोटोसिंथेसिस करने वाला जो पार्ट होता है उसको डैमेज कर देती है, उसकी जो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। बहुत सारे यहाँ पर देख लेना, मैं डाल दूंगा इसको। मैरीन लाइफ भी काफी करती है। देखिए जो पानी में रहने वाले जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसको फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन बड़े सेंसिटिव होते हैं, आप ज्यादा रोशनी डालोगे तब मर जाएंगे, कम रोशनी डालोगे तब मर जाएंगे, पानी की एसिडिटी बढ़ गई तब मर जाएंगे, पानी में एसिडिटी कम होगी तब मर जाएंगे। तो बड़े सेंसिटिव होते हैं, इसलिए अगर अल्ट्रावायलेट रे ज्यादा आ गई तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ये बढ़ जाते हैं। तो एक तो ये बड़ी समस्या है, और भैया बायोलॉजिकल ये जो बायोकेमिकल्स या साइकिल्स होती है इनका बड़ा फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर देख लेना एक बार, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इंडिया का जो टूरिज्म सेक्टर के बारे में बात करेंगे, इंडिया के टूरिज्म के बारे में। तो क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक अपनी रिपोर्ट जारी की है, तो इस रिपोर्ट का नाम होता है ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। तो 2024 जारी किया था, तो इसके अंदर इंडिया की रैंकिंग 34 है। किसने जारी किया था ये पता होना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो इसके बारे में पता, मैंने यहाँ पर कुछ आंकड़े दे रखे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट आंकड़े, हमें मेन में आप कोट कर सकते हो। ये
2021 हर 2 साल के बाद इसको जारी किया जाता है। तो 2021 में जब ये जारी हुई थी तो इंडिया को उस इंडिया की जो रैंकिंग थी उस टाइम तो 54 थी, अब कितनी होगी? 39 होगी। काफी अच्छा उछाल मारा है इंडिया ने। मतलब इंडिया कोशिश तो कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग ना, मतलब कुछ लोग चाहते नहीं कि भारत सरकार ऊपर उड़े। अपोजिशन पार्टी के बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि उनको जॉम्बी बनाकर रखना चाहते हैं। वो चाहते नहीं कि ये टूरिज्म सेक्टर बने, बस इंडिया को, इंडिया के लोगों को बेवकूफ बनाकर रखो और फिर उन पर राज करो। मतलब आज तक यही तो हुआ है देश में, कि देश में जब तक कांग्रेस का राज रहा है, मैं मतलब कांग्रेस में किसी, वैसे मैं पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, किसी को भी बता रहा हूँ, लेकिन जो रियलिटी है उसके बारे में तो मानना ही पड़ेगा। कांग्रेस जितने टाइम तक रही भाई, मुश्किल से यार कितनी ट्रिलियन की जीडीपी आपने करी, एक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपने, कम से कम इंडिया की जीडीपी इस टाइम पर कम से कम 10 ट्रिलियन की जीडीपी होनी चाहिए थी इस टाइम पर, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन कराने के लिए। चाइना के पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके पास 19 ट्रिलियन की जीडीपी है, आप समझ रहे हो? तो इंडिया, मतलब ये सब कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए, मतलब देश की भलाई के लिए काम करे ना, कि कांग्रेस में बड़ी प्रॉब्लम है, कांग्रेस में करप्शन बहुत बहुत, कई कई 1000 करोड़ के करप्शन होते हैं। अब जनता का, लोगों का पैसा ऐसी ऐसी जगह जाएगा तो फिर अब लोग उग गए कांग्रेस से, तो इसीलिए और लोग अब सत्ता में नहीं चाहते। उसका पोजीशन भी ठीक है, और मैं भी यही चाहता हूँ कि जो बीजेपी है, बीजेपी अब कम से कम 50-60 साल तक रहे सरकार, उसमें अगर देश का डेवलपमेंट चाहिए तो। अब बीजेपी उनको, कांग्रेस वालों को तो अपोजिशन में ठीक है, उनको सरकार, उनको आपको सत्ता में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अगर देश का डेवलपमेंट चाहिए तो आपको देखो बीजेपी ही अभी ऑप्शन यही है। अदरवाइज हाँ, अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है, जैसे कि कुछ नया है, तब तो आप भैया ला सकते हो। जैसे हमारे देश के अंदर नया यूथ जो है, हमारे देश का यूथ बहुत फ्रस्ट्रेट है, तो वो नहीं आ रहा, वो आना पॉलिटिक्स में नहीं चाहता है, ईमानदार लोग नहीं आना चाहते पॉलिटिक्स में, क्योंकि एक तो ये आने नहीं देते, दूसरा प्रॉब्लम भी है, पैसे नहीं होते उनके पास, कैसे हिस्सा करेंगे। तभी हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, फ्लॉ डेमोक्रेसी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स के अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी थी। अब बात करते हैं हम कि ये हिमाचल टूरिज्म से रिलेटेड है, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। भैया हिमाचल प्रदेश देखिए, पीसीएस ना, ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे से डेटा लिया है, 465 पेज का है, अगर आप चाहे पढ़ना चाहो तो उसको पढ़ सकते हो उसके अंदर, तो अदरवाइज मैं तो करंट अफेयर में इसको कवर कर रखा। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में, देखिए पीसीएस में 2024 में क्वेश्चन पूछा था, जून 2024 में आयोग ने क्वेश्चन पूछा था, इसलिए आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, कि मैंने बोला भी था भैया करके जाना है, तब क्वेश्चन पूछे थे। देखिए सबसे कम कब आए यहाँ पर, फॉरेन टूरिज्म किससे पूछा गया था, तो फॉरेन टूरिज्म 2021 में सबसे कम, और सबसे ज्यादा 2023 में। तो सबसे ज्यादा 2023 में आए हैं, दिसंबर 2023 तक, और सबसे कम आए 2021 में इंडिया के अंदर जो टूरिज्म सेक्टर है। तो ये पर एक सेकेंड आ गया, हाँ ये पता होना चाहिए, मैं आपको दिखाऊंगा अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब बात करते हैं इंडिया के डेमोक्रेसी के बारे में, इंडिया की जो डेमोक्रेसी का जो एक इंडेक्स जारी हुआ था, ये भी इस पर भी क्वेश्चन पूछा था आयोग ने, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ये इसको जारी करती है। तो इन्होंने इंडिया की जो रैंकिंग रखी है यहाँ पर 41 रखी है, और इंडिया की जो फ्लैट डेमोक्रेसी है, देखो ये सच बात है, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया के अंदर मोक्रेसी है। डेमोक्रेसी पढ़े लिखे लोगों की सरकार होती है, मैं बताता हूँ, इंडिया के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, पूरा देश ये मान ले इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया के अंदर, लोग समझते नहीं उस बात को, इंडिया के अंदर मोक्रेसी है। देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग पढ़े लिखे थे, अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हुए हैं, यूरोप के अंदर डेमोक्रेसी, वहाँ के लोग तो वो अपनी समझ के हिसाब से वहां पर वोट देते हैं। इंडिया के अंदर क्या है, सिलाई मशीन दे देंगे, वॉशिंग मशीन दे देंगे नंगे भुक्के लोगों को। हमारे यहाँ पर नंगे भुक्के, देखिए 140 करोड़ पॉपुलेशन, और नंगे भुक्के लोगों का बहुत बड़ा चंक है, जो कि सरकार को बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो इन नंगे भुक्के लोगों को ना तो पढ़े लिखे रहते हैं, ना इनके पास पैसा कुछ नहीं है, तो इनको आप बहला फुसला सकते हो। अभी क्या हुआ, यूपी के अंदर एक जो अभी जनरल इलेक्शन हुए थे, तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा। उसका एक रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर एक यही है, ये जो लोग हैं इनकी बहुत बड़ी एक मतलब बहुत बड़ी संख्या है, तो ये सरकार को बनाने में बहुत बड़ा योगदान प्ले करते हैं, तो वो हमेशा ऐसे लोगों को भी देते हैं जो उनको पैसे देते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी, मतलब अपोजिशन पार्टी को इतने सारे वोट दे दिए, बहुत सारी सीट निकली उनकी, तो उसका एक रीजन यही है। आप एक रात में उनको सिलाई मशीन दे दो, 10-10 हज़ार रुपए, 5-5 हज़ार रुपए दे दो, वो तुमको वोट दे देंगे, उनको और ज्यादा पैसे दो और उनसे तुम बोलो कि एक काम करो इसके मुंह पर मोहर मार दो, तो वो चलते हुए इंसान के मुंह पर मोहर मार देंगे, उसी को वोट दे देंगे। तो इंडिया के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम है, ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे बताया रात में क्या होता है। जैसा इलेक्शन हुए थे तो उसको एक रात पहले लोग बाग रात को 2-2 3-3 बजे तक घर आते, तुम्हारी जेब में पैसे डालेंगे और चले जाएंगे, समझ गए? और ध्यान पैसे बोलेंगे भैया ध्यान रखना, तो आप समझ रहे हो ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए यहाँ पर नंगे भुक्कों को मैं बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी पढ़े लिखे लोगों की होती है। मुझसे पूछेगा भाई आपको कांग्रेस को वोट देना चाहिए, मैं सारी चीजों को एनालाइज करूंगा, भाई क्यों देना चाहिए कांग्रेस को, बीजेपी को देख क्यों देना चाहिए, ये फला बंदे को क्यों देना चाहिए, कौन सी देश के लिए अच्छी पार्टी है।
तो मैं सारा सोच समझ कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि भाई मेरी जेब में कोई पैसे डाल कर चला जाए और मैं उसको वोट दे दूं। इसलिए हमारे यहाँ पर फ्लैट डेमोक्रेसी है। तो याद रखना इंडिया की रैंकिंग क्या थी, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर। इंडिया के लोगों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, ये सबसे मैं बोल रहा हूँ, पढ़ाया नहीं जा रहा, जानबूझ को नहीं पढ़ाया जा रहा अभी तक। देश जब से देश आजाद हुआ है तो नहीं पढ़ाया जा रहा उनको जानबूझ को। देखो, अब सबसे बेवकूफ़ बनाने का तरीका यही होता है कि आपको अंधकार में रखो। अगर आपको रोशनी मिली, आप सरकार से क्वेश्चन पूछोगे, सरकार से क्वेश्चन पूछोगे, सरकार जवाब नहीं दे पाएगी, और फिर आप उसी को चुनोगे जो आपको अच्छा लगता है। इसलिए आपको जितना बेवकूफ बनाया जा सकता है उतनी ही ठीक है। और बेवकूफ तभी बनाया जा सकता है जब आपको अंधेरे में रखा जाए, और अंधेरे में इतना बड़ी पॉपुलेशन को रखने का तरीका यही है कि उनको पढ़ाओ मत। तो आज तक यही हो रहा था। अब जो लोग पढ़ रहे हैं वो समझ रहे हैं कि भाई अब देश के अंदर, दुनिया के मतलब देश के अंदर भारत की एक नई इमेज बन रही है, तो इस इमेज को और अच्छा बनाना है। इसलिए वो लोगों ने बीजेपी को चूज किया है। बीजेपी एक अच्छा, देखो फिलहाल तक तो मैं यही बताता हूँ, बीजेपी एक अच्छा ऑप्शन है फिलहाल तो, अभी तक तो, अदरवाइज और कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल देश के लिए बीजेपी अभी बहुत अच्छी है। अब चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी जो है वही है, उसमें कुछ बोल नहीं सकते। देखो सारी चीजें बुरी चीजें तो सब जगह है, लेकिन फिलहाल वो तो सबसे बुरी चीजों में तो बीजेपी सबसे अच्छी है। अब देखिए, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11 जून जुलाई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या थी? लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। तो ये याद रख लेना कि भैया ऐसे एज ए फैक्चुअल डेटा अगर आप थोड़ा सा याद करना चाहो, तो आपको किसी के सामने बोला या लिखना हो तो आप ये डेटा को कोट कर सकते हो। अब ये देखिए, अलाइड सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कौन सी डेट को मनाया जाता है, 11 जुलाई। मैंने अभी आपको बता दिया, थीम पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हाँ, ये वाला आपको डेटा याद रखना है। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी में भी, ये वाला जब इसको क्वेश्चन पूछा गया था भैया इंडिया की जो डेमोक्रेसी में रैंकिंग कितनी थी, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में रैंकिंग थी 41। तो अब हम यहाँ पर एक और चीज, वर्ल्ड पॉपुलेशन एक ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, तो ये हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है। इसका रिपोर्ट का नाम होता है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2000। इस बार 2024 था, तो 2024 की रिपोर्ट जारी करी। इसकी याद ये थीम अगर देख सकते हो तो देख लेना। कभी कभी कुछ चुच्चापन कर जाता है आयोग, कभी पता नहीं क्या है उनको, कुछ ज्यादा मजा आ जाता है, तो वो ऐसे भी बोल देते हैं कि भाई इस जो रिपोर्ट थी उसकी थीम क्या थी। तो इंटरवूवन लाइव्स एंड थ्रेड्स ऑफ द होप, ये अगर याद रह जाए तो ठीक है। अब देखिए पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई है 2024 में, ये मिलियन में दे रखा है यहाँ पर, तो 8,119 मिलियन पॉपुलेशन हो चुकी है। और इंडिया की 1,441.7 मिलियन पॉपुलेशन, और इसमें मोस्टली नंगे भूखे लोग हैं, मतलब जिनके खाने पीने रहने वहने वो मतलब वैसे वैसे, मतलब देखो नंगे भूखे लोग शब्द यूज करना ठीक नहीं है, लेकिन क्या करें, ये अपनी आदत से नहीं सुधरते ना। कुछ लोग नहीं पढ़ने लिखने पर ध्यान ही नहीं देते, लोग उनको बेवकूफ बना रखना चाहते हैं। इससे क्या होता है, देश पीछे जाता है, श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा, और क्या कहते हैं पाकिस्तान वाला हाल हो गया। उल्टा सीधा कोई पॉलिटिशियन अगर सत्ता में आता है तो क्या होगा? अभी क्या, अभी आपने देखा है कि कितने हजार हजार करोड़ के ये कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस को सत्ता में लाए, विश्वास करते कई साल मतलब बहुत सालों तक रही। क्या हुआ? करप्शन करा, इंडिया के लोगों को बेवकूफ बना कर रखा है, यहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। अब बीजेपी आई तो कम से कम थोड़ा डेवलपमेंट तो कर रही, ट्रिलियन की जो बात तो कर रहे हैं, इंडिया को डेवलप बनाने का एक एजेंडा तो रखा, इन्होंने तो वो भी नहीं करा था। तो इसलिए मैं नंगे भूखे लोगों को बोलता हूँ, क्योंकि इसमें नंगे भूखे लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है सरकार बनाने में। क्योंकि सबसे ज्यादा देखो डेमोक्रेसी उसकी होती है मेजोरिटी वाले की, और मेजोरिटी हमारे अंदर नंगे भूखे देश नंगे भूखे जो लोग होते हैं उनकी है, और इन लोगों को बहला फुसाया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दिखा रहे हैं। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन, कांग्रेस ने जब कांग्रेस इंदिरा गांधी की सरकार में कितना बड़ा मतलब इन्होंने जो है वहां पर इमरजेंसी लागू करी थी, लोगों को कितनी मतलब बहुत ज्यादा यातनाएं को झेलना पड़ा था लोगों को रियलिटी में ये, लेकिन ये लोग मानते नहीं है पोजिशन में, बावजूद उसके लोगों को बेवकूफ बना कर रखते हैं। तो ये क्वेश्चन 2024 में आयोग ने पूछा था ये वाला, तो आपको पता है कि पीसीएस के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा था, आप कर सकते हो। अब देखिए अरेंज द फॉलोइंग, ये 2024 में पूछा गया था। तो जैसे मैंने कहा 2023 में सबसे ज्यादा लोग आए थे, फॉरनर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। देखिए फॉरनर का असेंड डिसेंडिंग ऑर्डर पर अरेंज करना है, तो सबसे ज्यादा जो फॉरेन टूरिस्ट आए थे वो 2023 में आए थे, तो इसका जो आंसर है वो डी है, ये वाला बी आंसर है, सॉरी डी नहीं, बी आंसर है इसका। तो देखिए मैं बोलता हूँ कि मतलब आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, इसका आंसर आप दोगे। मैंने इसको कराया पीछे पीछे वाली करंट अफेयर में, तो इसका जो आंसर आप दोगे मैं नहीं दूंगा। तो मतलब हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। देखिए मैं ऐसा नहीं कि रोज एक करंट अफेयर ले आऊँ, ज्यादा दिन बचे नहीं है, हार्डली 1 मंथ बचा है, तो मैं एक एक दिन में 3 4 5 जितना भी हो सकता है मैं कर रहा हूँ। तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट करंट अफेयर में। मैं इसका पीडीएफ जो है वो पीडीएफ अभी अपलोड कर देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।